हिंदू पंचांग के सभी महीनों का अपना विशेष महत्व है, जिनमें से एक है सावन का महीना। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहते हैं जो भी मनुष्य सावन के सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करता है, भगवान शिव उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। यही वजह है कि सावन के महीने में शिव भक्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं। सावन के सोमवार व्रत शीघ्र फलदायी है। सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति, कुमारी कन्याओं को उचित वर तथा जो स्त्रियां निसंतान हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार व्रत श्रेष्ठ माने गए हैं। मन वांछित फल देने वाले सावन के सोमवार व्रत की एक प्रचलित कथा के अनुसार, सोहनलाल नाम का एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव मंदिर में पूजा और प्रार्थना करता था। हे भोले भंडारी, मुझे कब संतान का सुख प्राप्त होगा? क्या मैं अपनी संतान का सुख भोगे बिना ही इस दुनिया से चला जाऊंगा? आप तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, मेरी विनती भी सुन लो भगवान। सोहनलाल की प्रार्थना कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने सुन ली। वो भगवान शंकर से बोली, प्रभु ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। देवी पार्वती, साहूकार के घर संतान नहीं है, ये इसी बात से दुखी है। हे महादेव, तो आप इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए, इस भक्त पर कृपा कीजिए। पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। पर प्रभु, आपके भक्तों का विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है, आप तो अपने भक्तों को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। साहूकार प्रति सोमवार आपका व्रत और पूजन करता है और अब तो सावन माह के पवित्र दिन है जो आपको अति प्रिय है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। ठीक है देवी पार्वती, मैं अपने भक्त सोहनलाल को पुत्र का वरदान देता हूँ। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में सोहनलाल को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। जब सोहनलाल स्वप्न से जागा, हे शिव शंकर, आपने एक तरफ मुझे पुत्र देकर संतान का सुख दिया और दूसरी तरफ पुत्र अल्पायु होगा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख, मैं ये कैसे छुपा कर रख पाऊंगा? पर मेरी भक्ति में फिर भी कोई कमी नहीं आएगी, आपके द्वारा दिया वरदान मुझे मंजूर है प्रभु। सोहनलाल पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से सोहनलाल के घर में खुशियां आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। पुत्र का नाम शिवाय रखा गया। धीरे धीरे शिवाय 12 वर्ष का हुआ तो सोहनलाल को भगवान शिव की कही बात याद आने लगी। उसने अपने साले महेश को बुलाया और बोला, महेश, तुम शिवाय को काशी नगरी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में इसके हाथों से ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा कराते हुए जाना। ठीक है जीजा जी, मैं कल प्रातः ही शिवाय के साथ काशी के लिए प्रस्थान करता हूँ। आप शिवाय को मुझसे दूर क्यों भेज रहे हो जी? भाग्यवान, हमारे पुत्र के लिए यही उचित है। सोहनलाल ने पत्नी को किसी तरह समझा बुझा दिया। अगले दिन महेश शिवाय को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद शिवाय और महेश एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। उसकी नजर शिवाय पर गई। ये लड़का मेरे पुत्र की उम्र का है और इस नगरी में नया है, कोई इसे नहीं जानता, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में शिवाय और महेश से बात की। महेश ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और शिवाय को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया।
राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शिवाय राजकुमारी से सच नहीं छिपा सका और उसने जाते हुए राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है। राजकुमारी देखती है कि जिस लड़के से उनका विवाह हुआ था उसकी जगह सचमुच एक काना राजकुमार खड़ा है। पिताजी महाराज, मैं इस लड़के के साथ विदा होकर नहीं जाऊंगी, मेरा विवाह तो किसी और के साथ हुआ है जो अपनी विद्या पूरी करने वाराणसी गए हैं। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर शिवाय अपने मामा महेश के साथ वाराणसी पहुंच गया। शिवाय ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। शिवाय 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन शिवाय यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर रात के वक्त जब शयन कक्ष में सो रहा था, शिवजी के वरदान के अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगली सुबह जब महेश कमरे में आया, आज शिवाय सोकर नहीं उठा, रोजाना तो जल्दी उठ जाता है। शिवाय बेटा उठ। अरे तू उठ क्यों नहीं रहा? नहीं शिवाय, तू ऐसे कैसे इस दुनिया से चला गया? मैं जीजा जी को क्या जवाब दूंगा? शिवाय मेरे भांजे उठ। प्रभु, ये कौन इतना विलाप कर रहा है? कौन भक्त इतना दुखी है? प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। देवी पार्वती, ये उसी साहूकार का पुत्र है। इसकी आयु 16 वर्ष थी, अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। स्वामी, आप इसे जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आपके परम भक्त साहूकार को उसकी वर्षों की सोमवार की पूजा का आप ये फल देंगे? नहीं प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। अपनी पूजा करने वाले साहूकार भक्त की पूजा को सफल कीजिए प्रभु। आपकी पूजा तो विधि के विधान को भी सही दिशा देती है। आप अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं प्रभु। तुम ठीक कह रही हो देवी पार्वती, आज अपनी पूजा करने वाले परम भक्त के लिए मुझे ये विधि का विधान बदलना होगा। मैं शिवाय की जीवन रेखा से अल्पायु योग हटाकर इसे दीर्घ आयु रहने का आशीर्वाद देता हूँ। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने शिवाय को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके शिवाय मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ शिवाय का विवाह हुआ था। मामा जी, मैं इस नगरी में रुककर यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मुझे नया जीवन प्रदान किया है, इसलिए यही मेरी इच्छा है। ठीक है शिवाय बेटा, हम एक दिन यहाँ रुककर यज्ञ का आयोजन करते हैं। महेश और शिवाय वहीं रुक गए। शिवाय को देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। महेश और शिवाय को कुछ दिन महल में रहने का अनुरोध करके राजा ने बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी को शिवाय के साथ विदा किया। उधर सोहनलाल अपनी पत्नी को सच बता चुका था। वे दोनों सोच चुके थे कि यदि शिवाय सकुशल नहीं लौटा तो वे दोनों भगवान शंकर के सामने अपने प्राण त्याग देंगे। पर समय पर एक सेवक ने आकर उन्हें शिवाय के लौटने की खुशखबरी दे दी। सोहनलाल और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधु का स्वागत किया। उसी रात सोहनलाल के स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिए। सोहनलाल, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए सावन के सोमवार व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर की भक्ति करते हुए सोहनलाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो कोई भी सावन सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वो मनुष्य शिव लोक को प्राप्त होता है। एक बार माँ पार्वती और भगवान शंकर जी कैलाश पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। तब माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु आप तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं क्षण में पूरी कर देते हैं, इसलिए मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपकी कृपा पाने के लिए
कौन सा ऐसा व्रत है जो श्रेष्ठ माना गया है, जिससे मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी कृपा पाकर मनुष्य उच्च फल की प्राप्ति करता है। देवी पार्वती, आपको तो ज्ञात है महाशिवरात्रि का दिन मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और अर्चना करता है, मैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण करता हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक शिकारी भक्त चित्रभानु की कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार चित्रभानु ने अनजाने ही मेरी पूजा के फल से मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से पहले कभी ऋण लिया था, लेकिन वो समय पर साहूकार का ऋण नहीं चुका सका, जिस पर क्रोधित साहूकार ने शिकारी को बंदी गृह में डाल दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी, तो बंदी गृह के पास से गुजर रहे शिव भक्तों के प्रवचन उसके कानों में पड़ रहे थे। चित्रभानु भी ध्यान मग्न हो गया और धार्मिक बातें सुनता रहा। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। क्यों भाई चित्रभानु, है पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर कुछ अक्ल तो आ ही गई होगी। मेरा ऋण कब तक चुकाने का इरादा है? साहूकार जी, मुझे बस कल तक का समय और दे दो, मैं आपका सारा ऋण लौटा देने का वचन देता हूँ। सिर्फ कल तक का ही समय दे रहा हूँ? अगर तू अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहना चाहता है तो कल तक मेरा सारा कर्जा चुका देना। महादेव, चित्रभानु ने तो सुबह से अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, वह तो भूखा प्यासा था। हाँ देवी पार्वती, चित्रभानु को अगले दिन तक साहूकार का कर्जा चुकाना था, इसलिए वो घर नहीं गया, सीधा वहाँ से जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में भूखे प्यासे बंद रहने के कारण चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल था। उसने शिकार करने के लिए तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बना लिया। उसी बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्तियों से ढका हुआ था। चित्रभानु इस बात से अनजान था, पड़ाव बनाते समय चित्रभानु ने बेल वृक्ष की जो टहनियां तोड़ी, उसकी बेल पत्तियां संयोग से वृक्ष के नीचे बने शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से चित्रभानु का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। मैं जानती हूँ प्रभु, ये सब आपके ही द्वारा रचाई हुई लीला है। आप अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उन्हें उत्तम जीवन की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के मुख से ये वाक्य सुनकर मुस्कुरा देते हैं और आगे की कथा कहते हैं। देवी पार्वती, मैं अब आगे की कथा कहता हूँ। रात्रि का एक पहर बीत चुका था। चित्रभानु शिकार की तलाश में अभी तक उस बेल वृक्ष पर ही बैठा था, तभी एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। रुको शिकारी रुको, मेरी हत्या न करो, मैं गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मुझे कृपा करके अभी छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। पता नहीं इस गर्भिणी मृगी को मारने का मन ही नहीं कर रहा, इसकी बात पर विश्वास करके अभी इसे जाने देता हूँ। कोई और शिकार आ जाएगा तो उसे मार दूंगा। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। चित्रभानु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मृगी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। हे पार्थी, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ आए शिकार को मैं स्वयं ही छोड़ रहा हूँ। मेरे हाथ बार बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बार बार ही हाथ छूट जाता है। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। इस शिकार को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, समय गवाए बिना
इस शिकार को अपना निशाना बना लेता हूँ। हे पार्थी, मुझे जाने दो, मैं इन तीनों बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी। सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मैं तुम सबकी बातों में बहुत आ चुका, तुम सबने मुझे बहुत बना लिया, अब तुम्हें मेरा शिकार बनना ही होगा। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के कारण छोड़ रहा हूँ, पर इन्हें छोड़कर तुम्हें शीघ्र ही लौटना होगा। तत्पश्चात क्या हुआ प्रभु? क्या वे तीनों मृगियाँ वापस लौटी? देवी पार्वती, आगे की कथा यूं इस तरह से विपरीत होती है। जब शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी चित्रभानु बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था, पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। चित्रभानु ने सोच लिया था कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वो मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही चित्रभानु के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। हे पार्थी, यदि तुमने मुझे मार दिया तो मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार वापस लौट कर आने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। अनजाने ही शिवरात्रि व्रत करने, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी चित्रभानु का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। प्रभु, ये सब आपकी अनुकंपा है, जो चित्रभानु जैसे हिंसक शिकारी का हृदय भी करुणा से भराया है। थोड़ी ही देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर चित्रभानु को बड़ी ग्लानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर चित्रभानु ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। आपके महाशिवरात्रि व्रत और त्योहार में सचमुच कितनी शक्ति है, जो कि चित्रभानु जैसे एक हिंसक शिकारी की प्रवृत्ति में भी बदलाव कर सकती है। इसके पश्चात देवलोक के समस्त देवता भी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिकारी चित्रभानु ने बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग को अपना लिया, और मेहनत मजदूरी करके उसने साहूकार का कर्जा भी चुका दिया, और खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ की कृपा से परिवार के साथ साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि त्योहार का बहुत महत्व है। ये त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। कहा जाता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों में महापूजा का भी आयोजन होता है। सभी भक्त इस दिन मंदिर जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध दही बेलपत्री बेर और फल फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शंकर और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और इनकी पूजा करने से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है।